हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए, ये जो व्लॉग है ये है बुधवार का, और अभी टाइम शायद 1 बजने वाले थे, एग्जैक्ट याद नहीं है टाइम मुझे, मैंने टाइम देखा नहीं था क्योंकि सुबह से बस घर के कामों में ही लगी पड़ी थी। 2 बार मशीन लगाई थी, इसके अलावा जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ़ सफाई, डस्टिंग, ये सारा कुछ, तो सब कुछ हो गया था। और टाइम से सारे काम निपटाने के बाद लगी थी दूसरे कामों में, जैसे कि ग्रॉसरी काफ़ी दिन पहले ही ले आई थी मैं, लेकिन जैसे जैसे डब्बे खाली होते गए भरती गई, और कुछ चीज़ें जो थी जो एक्स्ट्रा, मतलब कुछ चीज़ें ले आती हूँ तो उन सबको बस अभी इस बास्केट में रख रही हूँ। बास्केट नहीं, मतलब बकेट है बड़ा बड़ा, तो इसी में मैं सारा ग्रॉसरी इस तरह से अरेंज करके रखती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दो ना तो फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, फिर वही है पैसे की बर्बादी। तो बस इसलिए इन सब चीज़ों को ना कायदे से रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारा सामान बर्बाद ना हो और फालतू के पैसे ना कहीं लगें। तो बस वही है कि इन सब चीज़ों पे भी टाइम टाइम पे ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है, वेस्ट तो नहीं हो रहा है, सब कुछ चेक करते रहना पड़ता है बीच बीच में, ताकि कुछ बर्बाद ना हो। और ये सारी जिम्मेदारी जो है हम हाउसवाइफ्स की होती है कि हम समय समय पर इन चीज़ों पर ध्यान दें, और साथ ही हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करें, ताकि हमारा समय और पैसे दोनों की बर्बादी ना हो और हर एक काम अच्छे से हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? तो थोड़े बहुत काम मैंने निपटा लिए हैं, बादल लगा हुआ है, अभी मुझे छत पे जाना है। मैंने फुटमैट सारे धो रखे हैं, और कुछ एक पार्सल अभी और आ गए हैं मेरे मीशो से, 3 पार्सल, एक कल आया है और 2 आज आए हैं। तो फटाफट से दिखा देती हूँ मैं, ये वाला तो मैंने ओपन, मतलब ओपन तो सारा ही मैंने कर लिया है, और इसको मैंने जस्ट अभी आते ही पहले मैंने इसका एक रील बनाया इंस्टाग्राम पर डालने के लिए, तो इस वजह से ये इस तरह से आपको दिख रहा है। वैसे एक प्रॉब्लम है इसमें ना, धूप जो दिया गया है, जैसे ना बेसिकली ये एक आदि योगी जी का एक स्टैचू है, और साथ में 101 धूप कोन मिल रहा है हमें, और ये धूप नॉर्मल धूप नहीं है, इसके अंदर इस तरह से होल है जिसके हेल्प से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ना होल बना हुआ है, तो जब हम इसको जलाएंगे तो यहाँ से ये पूरा फ्लो हो करके धुआं आएगा। ये मेरा बहुत दिन से मन था, तो ऑफ़र में मुझे ये मिला है 115 रुपये का, और साथ में ये और ये 101 धूप कोन जो है 115 रुपये का मुझे मिला है, तो मुझे डील अच्छी लगी तो मैंने फटाफट से इसको ले लिया। हालांकि अभी ये मेरी लिस्ट में था नहीं, बस स्क्रॉल करते समय मुझे दिख गया था तो मैंने इसको ले लिया। अभी देखिए मैंने धूप जला करके रख दी है, अभी देखिए अब धीरे धीरे इसमें से धुआं निकलता हुआ दिखेगा आपको, बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट से मैं दूसरी चीज़ आपको दिखा देती हूँ, ये है एक, और ये सब ना बाकायदा क्लिंग फिल्म में अच्छे से रैप होकर के आया था। ये मुझे मिला 138 का, 6 है ये, बाई 1 गेट 1 था, तो इस तरह से कुछ रिसीव हुआ है। तो पहला तो ये है बेसिकली एक ना, ये वॉल डेकोर के लिए ही है, तो एक सेट ये है इसका, कुछ इस तरह से ये है, और बस इसमें करना क्या रहेगा, डबल साइडेड टेप होता है, चारों इसके कॉर्नर पर लगा करके बस इसको वॉल में स्टिक कर देना है। जब मैं लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। और दूसरा ये है जो गुड वाइब्स, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाए इसमें, तो दूसरा ये है, और 138 में ये मुझे 6 मिले हैं टोटल, और अभी ये डील होगी या नहीं पता नहीं। तो और लास्ट अभी मैंने ये मंगाया है, ये है मैक्रम वॉल हैंगिंग, तो ये कुछ इस तरह का है, मुझे लगा था ये थोड़ा सा और बड़ा आना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट ठीक है। और ये भी इसका प्राइस याद नहीं है मुझे शायद, लेकिन फिर भी 150 के अंदर ही है, 136 या 140 समथिंग का, अच्छे से याद नहीं है, मैं कहीं पे मेंशन कर दूंगी प्राइस। तो तीसरा प्रोडक्ट है मेरा ये, और 2-3 चीज़ें अभी मुझे और ऑर्डर करनी है, तो मैं सोच रही हूँ सारा कुछ आ जाए उसके बाद ही मैं इकट्ठे ही सब कुछ डेकोरेशन जब करूँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी।
बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई थी मैं छत पर और बस ये फुट मैट मेरे हैं, बाकी किसी और के कपड़े हैं। इधर जगह था तो मैंने डाल दिया था। और देखिए बादल कितने घने घने लगे हुए हैं कि अब होगी बारिश कि तब होगी बारिश। बस बेंगलोर का मौसम ऐसा ही चल रहा है, रह के धूप रह के बादल, मतलब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ के मौसम का क्या चल रहा है। तो बस इसी वजह से ये सारे कपड़े जो मैंने दोबारा मशीन लगाई थी, जैसे आज दो बार मैंने मशीन लगाई थी, तो इसीलिए ये सारे कपड़े मैंने स्टैंड पर डाल दिए कि बीच में मुझे स्कूल भी जाना रहेगा और भी काम रहते हैं, तो डबल फ्लोर भाग करके जब तक जाओ ना कपड़े भीग ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सूख गई थी, टाइम से मैंने धो करके डाल दिया था। और सुबह ही आज धूप हो गई थी, मतलब आज कई दिन के बाद ना सुबह सुबह धूप निकली थी, नहीं तो सुबह से ही बादल छा जा रहे हैं। कल तो ऐसा लग रहा था सुबह में कि बारिश ही आ जाएगी, बच्चे बोल रहे थे स्कूल नहीं जाएंगे, और मतलब जब तक बच्चे लोग रेडी हुए तब तक एकदम कड़क वाली धूप हो गई थी, तो इन लोगों को मैंने स्कूल भेज दिया था। तो यहाँ पे तो ऐसा ही चलता रहता है मौसम। तो खैर देखिए, काम वाम जो है 3 बजे तक मैंने निपटाए, कपड़े प्रेस करने थे लेकिन थकान हो गई थी तो सोचा कि रहने देते हैं शाम को, या फिर जब भी टाइम मिलेगा तब कर लूँगी। और बस आधे घंटे रेस्ट करने के बाद मैं चली गई थी स्कूल बच्चों को लेने के लिए। आरुष तो अकेले आ जाता है लेकिन दक्षिता खेलती रहती है, आधे घंटे तो खेलती ही खेलती है। तो छुट्टी तो वैसे मतलब 3:40 पे होती है, लेकिन निकलते निकलते स्कूल से 4:30 हो ही जाता है डेली का ही, और उसके बाद से सुपर मार्केट में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है सामान वगैरह लेने के लिए। तो आज भी जो कुछ चीज़ें ले आनी थी ले आई मैं, और यहाँ सबसे पहले मैंने भिंडी पानी में डाल दिया था क्योंकि शाम को बनानी थी भिंडी की सब्ज़ी। और आजकल लाइट इतना ज़्यादा कट रहा है ना कि ये रह रहा है ना टाइम से सारी चीज़ें हो जाएं, सारे काम निपट जाएं, तो बस इसलिए मैंने आते ही भिंडी को डाला पानी में। और ये मैंने सुबह में ही बॉयल किया था स्वीट कॉर्न, तो दक्षिता को बस वही दे रही हूँ यहाँ खाने के लिए। नमक बस मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि ठीक है कि हल्का है, तो बस वो गई अपना खाने। मैं धनिया वगैरह सब कुछ ले करके आई थी यहाँ पे आज, तो बस यहाँ पे भिंडी 2-3 पानी धोने के बाद मैंने इसको छान के रख लिया दूसरी प्लेट में कि जब तक थोड़े बहुत और काम निपटाऊंगी तब तक पानी इसका अच्छे से सूख जाएगा। और साथ के साथ एक दो बर्तन जो थे अभी जो ऐसे साफ वाले थे जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें भिगोई थी, उन सबको साथ के साथ मैं खंगाल के रख देती हूँ, नहीं तो ऐसे रख दो ना तो काफ़ी टाइम फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। और बस यहाँ पे दक्षिता को ना आज होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला था, तो साथ के साथ मैंने उसको बिठा भी लिया था कि अपना काम भी करती रहे ये, और बस देखना रहता है बताना रहता है क्या करना है क्या नहीं, तो ये चीज़ें ठीक रहती हैं। आरुष तो अपने आप से कर लेता है लेकिन इसके साथ थोड़ा बैठना ही पड़ता है क्योंकि ना मिस्टेक बहुत ज़्यादा करती है, मतलब लिखना रहेगा कहीं लिख देगी, कहीं लिखना रहेगा कुछ लिख देगी कुछ, ये सारी चीज़ें इसके साथ होती हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो बस देखिए यहाँ पे बैठ करके मैंने इसको पढ़ाते पढ़ाते सारा धनिया साफ़ किया, ढेर सारा लहसुन छील करके रख लिया और साथ में भिंडी भी कट कर ली। और बस ये सारे काम करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी 10-15 मिनट के लिए कुछ काम से, फिर आने के बाद बस अभी आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले लगा रही हूँ सब्जी में तड़का। अभी 7:30 हो गया था और मैंने आज सोचा था कि जल्दी ही कर लूँगी, 7 बजे तक सब्जी में तड़का लगा दूँगी, लेकिन वो करते करते ना लेट हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने तड़का लगा दिया है, सरसों के तेल में राई डाला था मैंने, साथ में हरी मिर्च लहसुन और हींग तो मैं डालती ही डालती हूँ हर एक सब्जी में, मुझे हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है। और बस थोड़ा सा वो लाल हो गया मिर्च वगैरह, तो इसमें मैंने डाला प्याज, 2 कटा हुआ बड़ा बड़ा प्याज मैंने लिया था। भिंडी की सब्ज़ी वैसे मुझे उतनी पसंद नहीं आती थी पहले, लेकिन अभी थोड़ा मैं ज़्यादा प्याज डाल करके बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और बस मैं भिंडी को खुला ही रख के पकाती हूँ, नमक डाल देती हूँ बस पहले ही, और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए पकाती हूँ, ऐसे ना भिंडी टूटती नहीं है और हरी भी रहती है, क्योंकि अगर ढक दो ना तो पूरा उसका जो भिंडी का लिसलिसा सा होता है उसकी वजह से पूरी भिंडी चिपक के टूटने लगती है, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और जब भिंडी आधे से ज़्यादा पक जाती है इसका लेस ख़त्म हो जाता है तब ढक देती हूँ इसको, जो भी थोड़े बहुत मसाले डालने होते हैं वो सब डाल करके। तो बस देखिए यहाँ पे साथ के साथ मैंने एक साइड को रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और बस थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसे ही भिंडी को चलाती रहती हूँ। और बस देखिए जब तक भिंडी की सब्जी हो रही है और साथ में एक तरफ दूध हो रहा है तब तक मैंने आटा फटाफट से गूंथ के रख लिया कि जब तक दूध गर्म होगा
5-10 मिनट के लिए जो भी है, मतलब आटा सेट हो जाएगा, उसके बाद से बस रोटी बनानी रहेगी। और यहाँ पे भिंडी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, तो बस इसमें मैंने डाला थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ में ही थोड़ा सा जीरा का पाउडर। बस अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब ढक दूँगी और बस 5 मिनट के लिए धीमी आँच पर एक दो बार और चलाते हुए इसको बना लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए दूध भी हो चुका है गरम साथ के साथ, और यहाँ पे मैंने सोचा बर्तन वगैरह धो लूँ, तो यहाँ पे हुआ क्या, पानी हो गया था ख़त्म टंकी में। बस ये धनिया धो करके मैंने सोचा था ना कि पहले बर्तन जो भी निकले हैं, क्योंकि दक्षिता को ना काम करवाने में ही आज ज़्यादा टाइम मेरा चला गया था, तो ये सारे बर्तन रह गए थे जो शाम वाले थे। और इसके बाद से ऐसा हुआ कि ये शाम वाले बर्तन रात तक लटके रह गए, बस वही था, यहाँ पे पानी ही ख़त्म हो गया। तो बस यही मैं धो करके मैं चली गई थी बोलने के लिए पानी के लिए, और बस मैंने सोचा जब तक पानी नहीं आ रहा है रोटी ही सेक लेती हूँ, वैसे भी 8 तो बज ही गए थे इन सब कामों को करते करते। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने रोटियाँ सेकी, वैसे तो पराठे ही बनते हैं लेकिन हस्बैंड थे नहीं, कहीं गए हुए थे, तो मैंने रोटी ही बना दी थी, तो खैर खा लिया था उन्होंने, वैसे उनको पराठे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए खाना बन गया है, अब बस हस्बैंड की ही बस सभी प्लेट लगा रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे नीचे खेलने भाग गए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए ये है आज का डिनर, भिंडी की सब्ज़ी रोटी और ये जो दाल है दोपहर में मैंने बनाई थी, तो इस वजह से ही मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई कि भिंडी की सब्ज़ी के साथ दाल अच्छा लगता है। और बस हस्बैंड को देने के बाद मैंने फटाफट से सारे बर्तन क्लीन किए क्योंकि पानी आ गया था अभी तक, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, आधे घंटे तो लग ही जाते हैं पानी आते आते, तो ऐसे तो मेरे से खाना खाया नहीं जाता कि इतने बर्तन पड़े हैं और मैं खाना खाने बैठ जाऊं, फिर मुझे ना घबराहट होने लग जाती है सोच करके ही। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये इतने बर्तन जो निकले थे शाम वाले, इन सबको पहले धो लेती हूँ, उसके बाद से तब खाना खा के रख के जो बाकी के रहेंगे उसको धोऊंगी। और बस बर्तन धुलने के बाद साथ के साथ ही मैंने कर लिया किचन को क्लीन, और एक दिन पहले मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग करी थी किचन की, तो किचन बहुत ही साफ़ हो रखा है इस टाइम। अब होगा क्या ना, 2-4 दिन के बाद से फिर अच्छे से क्लीनिंग मांगेगा, तो हाल फिलहाल तो बिल्कुल साफ़ है। इसीलिए मैंने बस कपड़ा भिगो करके अच्छे से सारा पोंछ दिया था, पूरा काउंटर टॉप गैस सब कुछ अच्छे से पोंछ दिया था, बस इतने से ही अच्छे से क्लीन हो गया था। और बस देखिए यहाँ पे किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद रोटी थोड़ी सी हो गई थी ठंडी, और तवा वगैरह मैंने सिंक में रख दिया था, तो रोटी को मैंने डायरेक्ट गैस पर ही हल्का सा गर्म कर लिया क्योंकि ठंडा खाना मेरे से नहीं खाया जाता है, और साथ में मैंने दाल को भी हल्का सा गर्म किया। और बस यहाँ पे मैं और दक्षिता भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और बस चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में इतना ही, इधर ही एंड करती हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।